रोड अपनी बहुत खराब है गाइस। हालत देखो भाई रोड की, पुल का काम लगा हुआ है, टायर पूरा ही घुस जा रहा है इस कमरे भाई साहब। कालू माता मंदिर के पास पहुँचे, यहाँ भी लैंडस्लाइडिंग हुई है सर। ये है मंदिर और केले खा लेते हैं, मनु का व्रत है शनिवार का, पर खाने देख काफ़ी सालों बाद साहिल भाई से मिले, शादी से हम वापस आ चुके हैं नवाले से। बारिश लग गई है, हम भीग चुके हैं पूरी तरह से। मनु का हाल देखिए, पूरा ये पहलवान साहिल भाई काफ़ी स्मार्ट हो चुके हैं। अब कोई लड़की अगर देख रही है तो प्लीज़ संपर्क करें, इंस्टा आईडी है इनकी साहिल मैसी के नाम से, लड़की की सख्त ज़रूरत है। जिंदा या मुर्दा, जिंदा या मुर्दा। गुड मॉर्निंग गाइस। रिश्तों के सारे नहीं हाथ ला के, हाथ ला के ये है, यहाँ से पानी आ रहा है, ये देखो भाई बहुत ज्यादा हिल रेस टनल, ये देखिए ऊपर से फ्लड आया था भाई साहब, ये बरसाती मौसम के हाल। हम यहाँ पर आया करते थे, बहुत इंजॉय किया करते थे।
बन रहा है तड़का के लिए है ना। ओहो भाई साहब क्या लोकेशन है, क्या ही तगड़ा सीन है वो भाई, अमेजिंग गाइस अमेजिंग। क्या भाई छोड़ा लिद कर दिया यार मन्नू ने। ओहो बंदे को मोटी बात आने लगी, क्या कर रहा हो भाई, झाड़ झाड़ो भाई से। राधिया किनारे मेरा चंबा शहर बसदा, हरे भरे पहाड़ा बिच खुला साही जचदा। भाई सामने कॉलोनी है, गाइस यहाँ पे आए हैं, लोकेशन चेक करो भाई यहाँ पे। ओहो क्या हवा लगी है, और ऊपर से देखो बादल, अल्टीमेट अच्छी वाइब्स आ रही है, बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है। ये जो देख रहे हैं आप क्रिया NHPC कॉलोनी ये है यहाँ नीचे, वहाँ से आए अभी हम, और बहुत ही अल्टीमेट। ये है TRT, ये है हमारे मन्नू जी। मन्नू जी अब कैमरा पकड़ेंगे और आप दिखाएंगे कुछ गोली मार यार है चल जिंदड़ी देना। ये हमारे साहिल, साहिल भाई क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत। यहाँ के बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बता सकते हैं। हनी भाई बोलेंगे, यहाँ मैं पहली बार आ रहा हूँ और बहुत ही अल्टीमेट फीलिंग आ रही है यहाँ से नज़ारा जो देखने का, खासकर जो क्रिया वाला एरिया दिख रहा है ना, बहुत ही अल्टीमेट। काश हमारे पास फोन होता तो अभी हम यहाँ पर उसको अप्लाई करते हैं, खैर अभी नहीं है हमारे पास, 3-4 सालों से हम मांग कर रहे हैं लेकिन ऊपर वाला नहीं सुन रहा है। लेकिन आप सुनो सबसे पहले, उसके बाद ऊपर वाला सुनेगा भाई, अभी कोई बात नहीं लेकिन हो जाएगा कभी ना कभी। यहाँ शेर व शायरी चली है साहिल भाई की तरफ से, लिखा जा रहा है सब कुछ। करण भाई भी ये वीडियो देख रहे हैं मुझे लग रहा है, अंकल लेकिन दुखी हैं करण भाई से। भाई साहब बंदा आज पूरे टशन में। सो गाइस खूबसूरती तो आप देख ही रहे हो कि किस तरह की एक खूबसूरती आप लोग देखने को मिल रही है, और लेकिन नदी का उफान देखिए, रावी नदी का उफान देख सकते हो आप, कितना ही हैरतअंगेज ये देखने को लग रहा है, कैसा नज़ारा है। ये पूरे उफान पर रावी नदी है भरमौर से बहते हुए आ रही है, और बरसातों का ये मौसम है, बरसाती मौसम है। और साहिल भाई को देखिए, एक वीडियो कॉल करी हुई है इन्होंने पंजाब में अपने घर वालों को, और दिखा रहे हैं यहाँ का नज़ारा। लेकिन तो आप अगर हिमाचल आना चाहते हो अभी ऐसे दिन ब्लॉग बना रहे, प्लीज़ मत आओ, क्योंकि अभी हम चंबा आए हैं तो घर का जो मेरा रास्ता है वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो चुका है। हाँ गड्डी तो फंसे तो क्या कह सकते, लेकिन चंबा में तो अभी थोड़ा मौसम साफ था, तो अभी हम आ गए यहाँ, थोड़ा यहाँ पर हम थे थोड़ा आगे यहाँ पर आ चुके हैं, पर अभी हम यहाँ पर आए, बहुत ही अल्टीमेट लोकेशन है। पहले भी एक बार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, लकड़ी का पूरा पुल बना हुआ है, जब हम चलते हैं तो पूरी तरह से हिलता है, बहुत ही अल्टीमेट आगे खतरे से खाली नहीं है, बहुत ही अमेजिंग है। ये देखिए जब हम चलेंगे इसके ऊपर तो हिलता है, ये नया नया बंदा जब आएगा तो हिलता हुआ रहेगा। यहाँ से नज़ारा, शायद मेरी आवाज़ अब तक आ रही है या नहीं आ रही है, अभी तो धूप हो गई है, तेज मौसम साफ हो चुका है, रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अभी हम बिल्कुल बीच में आ गए हैं, मैं और साहिल भाई। साहिल भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, सही में। पानी भाई इतना ज़्यादा है ना, मैं क्या बोलूँ, कैमरे में फिर भी उस तरह का नहीं दिख रहा है जितना डेंजर ये आंखों से देखने पर लग रहा है, और जब ये पुल हिल रहा है ना भाई डर लग रहा है। लेकिन लोकेशन बहुत ही मस्त है ये,
पूरा लकड़ी का ब्रिज बना हुआ है ये, पहले ये ऐसे ही पुल हुआ करते थे, बहुत कम बचे हैं ऐसे पुल। ये देखिए पहाड़ियाँ बिल्कुल हरी हो गई हैं, हरी घास लग गई है चारों तरफ, काफ़ी लोग यहाँ से आ जा रहे हैं। साहिल भाई अपनी दुनिया में अल्टीमेट है यार। देखो नीचे क्रैक हो चुका है, सड़ चुकी है लकड़ी, ये जो है बीच बीच में लकड़ी है सड़ चुकी है, उसकी रिपेयरिंग भी करते रहते हैं। यहाँ से ऐसा नज़ारा है, चल ठीक है तुरंत लग गया भाई। वो भी हम घर निकल गए हैं, घर पहुंचने वाले हैं, और ये देखिए रोड का हाल देखिए भाई साहब, ये देखिए पार्क, इस साइड भी देखिए, यहाँ से हम निकले बहुत ही तगड़े तरीके से, बहुत ही ज़्यादा पीछे रहे हैं यहाँ पर।